इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या का स्ट्राइक रेट 191 का है। बुमराह की अगर बात करें बॉलिंग की, तो अंग्रेज आज तक नहीं कर पाए बुमराह की कुटाई, क्योंकि उनका इकोनॉमी रेट 6 से कम है। वहीं अगर बात करें अंग्रेजों की, तो बटलर सबसे आगे हैं, जिन्होंने बनाए हैं अब तक 400 से ज्यादा रन। वहीं आदिल रशीद और आर्चर ने भी किया है भारतीय बल्लेबाजों को भी खूब परेशान। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंडिया बनाम इंग्लैंड। 2022 की तरह एक बार फिर से टीम इंडिया का सामना सेमीफाइनल में होगा इंग्लैंड के खिलाफ। क्या होगी पिच रिपोर्ट, कैसे भारतीय खिलाड़ियों के अंग्रेजों के खिलाफ रिकॉर्ड, और किसे बनाना चाहिए फैंटसी टीम में कप्तान और वाइस कैप्टन, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए सब कुछ आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं मैच की डिटेल्स के बारे में। मैच के लिए टॉस होगा शाम 7:30 बजे, 8 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो मैदान है गुयाना नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो अभी तक आपको डिटेल्स तो पता चल चुकी है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आज तक दोनों टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं। 23 मुकाबलों में 12 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, जबकि 11 मुकाबले ही इंग्लैंड की टीम जीत पाई है। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों की बात करें या फिर पिछले T20 मुकाबलों की बात करें जो वर्ल्ड कप में खेले गए, वो भी आपको बता देता हूँ। शुरुआत करें अगर बताने की, तो पहले बात कर लेते हैं पिछले 5 मुकाबलों की। इन 5 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 3 मुकाबले जीते 5 में से, जबकि 2 मुकाबले इंग्लैंड की टीम जीत पाई है। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप में 4 बार इन टीमों की आमने सामने भिड़ंत हो चुकी है। इन 4 बार में कह सकते हैं भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीते, जबकि इंग्लैंड के खाते में भी 2 मुकाबले हैं, मतलब बराबरी की टक्कर है। लेकिन पिछला साल का जब ये कहें T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला गया था, वो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। टीम इंडिया वो मुकाबला 10 विकेट से हार गई थी, और उसके साथ ही उसे T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। उसका भी बदला लेना है, क्योंकि हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर किया है, अब इंग्लैंड की बारी है। पिच रिपोर्ट कैसी होगी और मौसम के हाल कैसे हैं, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत तरह की बातें चल रही हैं। अगर मौसम खराब हुआ तो सीधे टीम इंडिया फाइनल खेलेगी। चलिए बता देता हूँ पिच रिपोर्ट कैसी है। गुयाना का प्रोविडेंस स्टेडियम को कम स्कोर वाला और स्पिन के लिए अनुकूल मैदान माना जाता है। ये तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिनर्स को मदद करता है, और बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। पिच रिपोर्ट की बात जानना जरूरी हो जाता है मौसम के क्या हाल है। अगर बात करें मौसम रिपोर्ट की, तो गुयाना में सुबह 70% बारिश की संभावना है। वही तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस मुकाबले में विजेता टीम कह सकते हैं सीधे फाइनल में प्रवेश ले लेगी। लेकिन फिलहाल जो और जानकारियां निकल कर सामने आई, उसके मुताबिक बारिश के साथ आंधी और तूफान आने के भी चांस हैं। अगर टीम इंडिया मुकाबला रद्द हो जाता है, तो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने लीग पे दूसरे नंबर पर थी, टीम इंडिया पहले नंबर पर थी। अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं टीम इंडिया से। इसमें होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्षदीप सिंह। अगर बात करें इंग्लैंड की, तो उसमें फिल सॉल, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियाम, साथ में सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और रिश टॉपले। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिलहाल टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं। मैंने तो आपको 22 खिलाड़ी बताए हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि फिलहाल वर्ल्ड कप में कौन कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना चुका है, कौन सा खिलाड़ी कितने विकेट ले चुका है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने T20 में खास करके भारतीय टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है। तो शुरुआत करते हैं टीम इंडिया से। टीम इंडिया की बात करें, तो पहला नाम आएगा कप्तान यानी रोहित शर्मा ने। अब तक T20 वर्ल्ड कप में 191 रन बनाए हैं। नंबर दूसरे पे आते हैं ऋषभ पंत, जिनके बल्ले से निकले हैं 176 रन। बात करें सूर्यकुमार यादव की, तो 149 रन बना चुके हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो अर्षदीप ने 15 विकेट चटकाए, जबकि बुमराह के खाते में 11 विकेट हैं। अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन 191 रन जॉस बटलर ने बनाए हैं। फिल शॉट दूसरे नंबर पे 183 रन बनाए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज 100 रन से ज्यादा नहीं बना सका है। अगर बात करें इंग्लैंड की गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी कुछ खास कमाल नहीं रही, लेकिन फिर भी मिली जुली गेंदबाजी थी इनकी। क्रिस जॉर्डन ने अब तक 7 विकेट चटकाए हैं, जबकि आदिल रशीद के खाते में लगभग 8 विकेट हैं। ये तो हो गया वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल अब तक दोनों टीमों के खिलाफ जब भी ये खिलाड़ी उतरे हैं, तो किस तरह का खेल दिखाया है। पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, जो टीम इंडिया के कप्तान है। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 410 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका है 139 का। विराट कोहली दूसरे नंबर पे हैं, 639 रन बनाए, स्ट्राइक रेट है 135 का। अगर बात करें सूर्यकुमार यादव की, तो 274 रन बनाए हैं 191 के स्ट्राइक रेट से। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो
बुमराह ने 7 विकेट चटकाए हैं इकोनॉमी 5.53 की। अगर बात करें कुलदीप की तो उन्होंने 5 विकेट चटकाए इकोनॉमी 7.25 की। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड के प्लेयरों की तो उनकी तरफ से बटलर ने सबसे ज्यादा रन 475 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 145 का है। बेरस्टो ने 174 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 133 का है। अगर बात करें गेंदबाजी की तो आदिल रसीन ने 8 विकेट इंडिया के खिलाफ चटकाए हैं, उनके है इकोनॉमी रेट 7.53 की। आर्चर की बात करें तो 7 विकेट आर्चर के नाम है, इकोनॉमी है 7.75 की। तो अब तक आपको भैया सब कुछ पता चल चुका है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, टॉप परफॉर्मर, खिलाड़ियों के दूसरे टीमों के खिलाफ कैसे प्रदर्शन है, पिच रिपोर्ट, मौसम की कहानी। चलिए बनाते हैं अपनी फैंटेसी टीम और कप्तान और वाइस कैप्टन। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग का ऑप्शन, इसमें आप रखिए सभी को, यानी बटलर, फिल सॉल्ट और पंत। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो सूर्या, विराट, हैरी ब्रूक। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो हार्दिक पांड्या, सैम करन। गेंदबाजी में रखिए अर्शदीप बुमराह और आदिल रशीद। अगर कप्तान और वाइस कैप्टन की चॉइस आती है तो पहले टीम में मेरे कप्तान है बटलर, जबकि वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या। दूसरी टीम के कप्तान है विराट कोहली, वाइस कैप्टन है सैम करन। तो फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी, कोई बदलाव, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।